नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको कक्षा चार का पाठ छह पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। तो चलिए देखते हैं इस कविता के अंतर्गत क्या है। नाव बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सास समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आँखों चढ़ती गढ़ती, नाव तरैया मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी का बस खोट सभी का है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। यह कविता है, यह हरि कृष्णदास गुप्त जी ने लिखी हुई है। अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं। क्या कह रहे हैं, एक बच्चा है वो अपने भाई से कह रहा है कि नाव बनाओ नाव बना की है भैया मेरे, मेरी क्या है नाव बना दो, और आप जल्दी से आओ मेरी नाव को बना दो। वह देखो पानी आया है, आप देखो वहाँ पर क्या, क्योंकि बादल काले हो जाते हैं तो हमें देखने लगता कि हाँ पानी आने वाला है, तो वहाँ पर क्या है पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया और चारों ओर क्या है बादल छा गए हैं, और बादलों में जो पानी आता है वह कहाँ से आता है, सात समुद्रों से आता है। तुम रस का सागर भर लाओ, हे भैया तुम भी क्या है मेरे लिए क्या है रस का अर्थात आनंद का सागर भर कर ले आओ, भैया मेरे जल्दी आओ और मेरी नाव को बनाओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, क्योंकि बादल बहुत काले दिखाई दे रहे हैं तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि पानी क्या है सचमुच बहुत ज्यादा बरसेगा, और क्या करेगा लंबी चौड़ी गली भरेगा, जो गलियां होती हैं आपने देखा होगा पानी जब गिरता है तो उसमें क्या होते हैं गलियां भर जाती हैं, लाकर घर में नदी धरेगा, और हमारे घर में क्या है वह नदी को धर देगा अर्थात बहुत सारा पानी कर देगा, ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरी जल्दी आओ, मतलब है ये भैया मेरी नाव बना दो जल्दी से, और ऐसे में ये जो नाव है वह उसको क्या करो तुम यहाँ पर इस पानी में लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। आप क्या कह रहा है कि गुल्लक भारी अपनी खोलो, मतलब तुम्हारी गुल्लक क्या है उसमें ज्यादा पैसे हैं, भारी का मतलब उसमें ज्यादा पैसे हैं तो तुम अपनी गुल्लक को खोलो, मेरी जो गुल्लक वह तो क्या हल्की सी उसके मच्छू हो उसमें पैसे नहीं है, पैसे नए नए ही रोलो मतलब तुम्हारे पास जो नए नए पैसे हैं उसको ही तुम क्या है निकाल लो, फिर बाजार लपक तुम जाओ मतलब जल्दी से तुम लपक के बाजार जाओ भैया, और वहां से क्या करो कि जो चमकीला कागज होता है वो भी कैसे लाल हरा या पीला नीला जैसा भी रंग बिरंगा हो जैसा भी मिल जाए वह क्या है आप लेकर आ जाओ, और फिर क्या करो कैंची चुटकी हाथ चलाओ, मतलब कैंची को लो और उससे क्या है हाथ चलाओ और मेरी नाव को बनाओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, और जो आपने देखा होगा पानी की जब बूंदें गिरती हैं वह क्या है छप छप करती हैं, और जो कचड़ा वगैरह होती है उससे क्या करती हैं अड़ती हैं, और बूंदों लहरें लड़ती बढ़ती मतलब जो बूंदें हैं वह क्या लड़के आगे बढ़ जाती हैं, और सबकी आंखों पर चढ़ती गढ़ती मतलब जो बूंदें वह क्या सभी की आंखों पर भी चढ़ती हैं, भैया तैरा मुझको हरसाओ मतलब इस पानी में आप क्या करो मेरी नाव को तैराओ और मुझे क्या कर दो आनंदित कर दो हर्षित कर दो, जल्दी आओ भैया मेरे जल्दी आओ। उसके भैया ने मना कर दिया होगा बनाने के लिए, तो क्या कह रहे हैं क्या कहते मेरे बस मेरे क्या बस का, मतलब आप क्या कह रहे हैं तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम नाव नहीं बना सकते, क्यों तब फिर यह किसके बस का, यदि तुम ही नाव नहीं बना सकते तो ये किसके बस की बात है,
खोट सभी हैं बस आलस का मतलब आप सिर पे नहीं खोट का किसका आलस का खोट है तुम्हारा नहीं है तुम्हें आलस आ रहा है इस कारण से तुम क्या मेरी नाव को नहीं बना रहे और इसलिए कह रहे कि मेरी बस की बात नहीं है। आलस छोड़ो सब कर पाओ मतलब आप तुम्हारा आलस को छोड़ दो और तुम सब कुछ कर सकते हो मेरी नाव को बहुत अच्छा बना सकते हो और पानी में चला सकते हो भैया मेरे जल्दी आओ। इसमें यह भाव बताया गया है। अब हम इसके देखते हैं अभ्यास प्रश्न कविता से। क्या कहते मेरे क्या बस का भैया ने क्या बहाना किया क्यों। भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। इसका कारण यह था कि भैया को बाजार से कागज लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे सॉरी बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। तो उसकी जो कागज की नाव है वह क्या है। कागज की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अबे गुल्लक भारी अपनी खोलो किसकी गुल्लक भारी है और किसकी गुल्लक हल्की है। तो भैया की गुल्लक भारी है तथा बच्चे की गुल्लक क्या है हल्की है। अबे नाव की कहानी एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव की बनने और पानी में सफाई करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। तुम ही वह नाव हो और अपनी अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं जैसे मैं एक नाव हूं मैं कागज से बनी हूं मुझे एक लड़की ने बनाया उसका नाम तो मुझे नहीं पता पर वह मेरे बनने पर बहुत ही खुश हो गया। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी चारों ओर पानी भर चुका था। उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती रही थी तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं पूरी तरह भीग गई और बिजली के एक खम्भे के पास जाकर रुक गई। अब है आहा बारिश तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। अब अपन लेते हैं बरसा आई। बरसा आई बरसा आई रिमझिम रिमझिम बरसा आई घने काले बादल आए उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए मोर नाचने लगे मस्त हो मेंढक ने भी गीत सुनाए। नभ बिजली लगी चमकने सौंधी धरती लगी महकने रंग बिरंगी नाव चल पड़ी चंचल सी लहरों पर बहने धरती पर भी हरियाली छाई रिमझिम रिमझिम बारिश आइया वर्षा आई। अब है इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए हों ये उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। तो इस कविता को पढ़ते समय हमारे मन में कागज की नाव बरसात के दिन तथा बचपन में खेल कूद के चित्र याद में आते हैं। अब है सचमुच पानी सचमुच खूब पड़ेगा सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ। सचमुच बादल घिर आए हैं सचमुच पानी जमकर बरसा। अब सात समुद्र घिर घिर कर बादल छाया है सात समुद्र भर लाया है। पता करो सात समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भर कर लाया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हिंद महासागर प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर उत्तरी ध्रुव महासागर दक्षिणी ध्रुव महासागर अरब सागर बंगाल की खाड़ी। अब है क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र में पानी लाते हैं। वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। हाँ बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है। वहाँ ठंडी इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों की शक्ल ले लेती है।
वही बूंदे बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती हैं। अब है तरह तरह की नावें, तुम कागज से कितनी तरह की नाव बना सकती हो, बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। तो यह आप लोगों को स्वयं करना है, बना के देखना है किस प्रकार से यह नाव आपकी बनती है। अब है आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तब हम सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। जब छत से पानी टपकता है तो प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। बाद में टपकने वाली या सीलन वाली जगह की मरम्मत कराई जाती है। अब बारिश की मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। उत्तर, हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बाहर जाने पर सारी गलियां पानी से भर जाती, थोड़ी देर में पानी सीवर में बह जाता है। अब है आगे काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर और नीचे लिखो। तो आपने देखा ये शब्द में आना, घिरना, छाना, लाना, पढ़ना, भरना, धरना, लहराना, खोलना, टटोलना, चलाना, अड़ना, लड़ना, बढ़ना, गढ़ना, हर्षाना, ये सभी क्या है क्रिया वाले शब्द आए हैं। अब तुमने जो क्रियाएं छांटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। तो सबसे पहले तो आपका आएगा अड़ना, आना, खोलना, गढ़ना, घिरना, चलाना, छाना, टटोलना, धरना, पढ़ना, बढ़ना, भरना, लड़ना, लहराना, लाना, हर्षाना। ये सभी क्या हो जाएंगी हमारी वर्णमाला के हिसाब से हो जाएंगी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।